त्रिपुरा पहुंचे हम 11:30 बजे और सो मच आ गए 11:30 बजे पहुंचे। हेलो सर, फैन कहाँ है? फैन बताइए। सो जस्ट लैंडेड इन अगरतला और थोड़ा सा यकीन सा नहीं हो रहा है कि दर्शकों की परेड हो गई अभी, कल से पूरा ट्रैवल किया, आज फिर ट्रैवल करके घंटे में पेपर लिखती होगी। Such a grand, grand welcome in Agartala. ऐसे कितने सारे लोग आए हैं। Oh my God. सर आप लोग यहाँ पे इतना आए, बहुत अच्छा लगा यार। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? कायरा। कायरा यार, लोग तो फॉलो कर रहे हैं यार, इनको चोट वोट ना लग जाए, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से चलाना भैया। आप लोग मिलने आए, थैंक यू सो मच, बट ऐसा फॉलो करना इट्स वेरी वेरी डेंजरस। भी डर लगता है कि अगर लोग किसी को कुछ हो गया मत किया करो प्लीज़। सो दैट्स व्हाई वी आर चेंजिंग द रूट। हम लोग अभी मेन रोड ऐसे नहीं जा रहे, हम लोग कहीं और से जाएंगे। पता है एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो द मेन प्रॉब्लम वाज कि अब मैं घर कैसे जाऊँ। दिल्ली में हुआ था जब। बेटा फॉलो मत कर, लग जाएगी। तो पीछे अभी भी लाइन हो गया फिनिश हो रहा है। पापा वेलकम। ओके आई एम गोइंग। ओके वेलकम बैक। क्या कहां जा रहे हो आप? इंटरव्यू। मैं फिनिश कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। त्रिपुरा में हम क्या कहते हैं इसको, एक प्रण लिया है कि दुनिया में दुनिया को बैंबू देना है त्रिपुरा। अरे बाप रे। थैंक यू प्रोडक्ट्स। अरे आपने लेकिन गलती किया एक। क्या अब लड़ाई होगी हमारे घर पे? एक गलती आपने, ये कहीं पे भी घर पे आप लगा के रखिएगा। जय गणेश। दिस इज आर्यन, ही इज ऑनरेबल सीएम सर, सर सन। सब बड़े बेटे आप? हाँ। तो इनके भी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो ये स्कूल मतलब बोर्ड के एग्जाम देके यहाँ पे आए। मैंने कहा यार तुम लोग का भी बोर्ड के एग्जाम होता है, मतलब 2 मिनट लगेगा सर। हाँ, एक दो पंक्ति सुना दीजिए पढ़ के, प्लीज इतना मेहनत से लिखा है तो। 1986 में जन्मा कानपुर का था वो लड़का, जो स्कूल के दिनों में था मैथ्स और फिजिक्स में पक्का था। उसका सपना एक पायलट बनने का, लेकिन बीच में आ गया इंजीनियरिंग का झटका। पर हुआ वही जो था किस्मत में लिखा, बन गया वो पायलट और फिर बना यूट्यूब सितारा, जो आजकल के नौजवानों के लिए आंखों का तारा। वीडियोस तुम्हारे देते हमें नॉलेज का भंडारा, वो रोज तुम्हारा एटलीस्ट एक वीडियो देखना, जो देते हमें इंस्पिरेशन वाला पूरा नुस्खा। वंस अगेन वेलकम टू त्रिपुरा और सदा रहना खुश तुम्हारा। थैंक यू। अरे वाह, वेरी नाइस। शायन नहा। शायन नहा, थैंक यू फॉर दिस लवली पोएम। सो वी हैव लेफ्ट आवर गेस्ट हाउस। दिखाना चाहता हूँ कि रश्मि तुम बता दो लोगों को कि तुम्हें तैयार कौन करता है। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ पढ़ते थे, फेवरेट वाक्य था प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने आँखों को संदेह कहा। तो आँखें आप लोगों की हैं, प्रमाण आपके सामने, संदेह नहीं होना चाहिए। अच्छा, सारी याद आ रही है अभी तो। प्रेमचंद जी की एक ही लाइन याद थी, चिपका दी।
एक्चुअली मैं बताती हूँ, जैसे कैमरा बंद हुआ, अरे पहनाओ यार, हंस गई टांगे इसकी यार, अब एक पैंट नहीं बनाई जा रही, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये इन्होंने हंस कभी पहना। इस थ्योरी पापा की बेटा रुक जाओ। त्रिपुरा, त्रिपुरा, ए ब्रावो। तो हम लोग को क्या हुआ, आज हम फ्लाइट में 3 सीटें मेरे को खाली मिल गई, तो मैं 3 सीटों में, मतलब इकोनॉमी में बिजनेस के वजह से क्या हुआ, फ्लैट बेड। तो मेरे बगल में रितु बैठी हुई थी, जब मैं सो के उठा बीच में आधी फ्लाइट में, तो कोई जेंट्स लेटा होता वहाँ पे, एकदम से मैं उसकी टांग देखी, तो वैक्सिंग भी नहीं कराती बेटा 3-3 महीने। इतने बड़े बड़े छानवी के बाल निकले हुए थे। सो अभी हम लोग आए एक लेक पे, यहाँ पे बोटिंग बहुत ही अच्छी होती है। कहते थे सीता मैया को लोटस फ्लावर बहुत पसंद था। दिस इज फॉर यू, थैंक यू। तो यहाँ पे ऐसे सर बोले थे कि माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, वैसे दिल्ली की लेक्स में सिर्फ माइग्रेटरी कपल्स आते हैं। क्योंकि सर दिल्ली में थोड़ा कम एरिया ना, यहाँ खुला खुला है। वो सर कह रहे हैं यहाँ पे वो बहुत फेमस है, मंकी, स्पेक्टिकल मंकी। क्या स्पेशलिटी सर उसकी? सर उसको डार्क सर्कल है, उसमें उसका बता, जवानी में डार्क सर्कल है उसको। टेंशन बहुत लेता है बेचारा। तो मतलब औरतें भी आजकल वैसी हो रही हैं डार्क सर्कल, बट वो ट्रीटमेंट कराती हैं, ये लोग भी ट्रीटमेंट कराते होंगे। पति ट्रीटमेंट करवाने दे तो एवरीथिंग ऑन अस। कब तक चलेगा मिलाड ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शादीशुदा कितने हैं यहाँ पे? सारे कमी लग रहे हैं, जो नहीं भी है उनकी गर्लफ्रेंड तो होंगी। बट मैं जानना चाहता हूँ, जैसे जो जो मैं बातें करता हूँ वो आप लोग सच होती है ना, मतलब आप लोग रिलेट करते ना, पूरा पूरा रिलेट करते ना उसमें, सहानुभूति है ना मेरे साथ, पूरी सहानुभूति है ना। बीवियों के साथ लोग करना, तुम अगली बार ऐसा कुछ ढूंढना, लड़कों के साथ करते हो और उनका भी और आपका भी सेम ही होता है। हाँ तो तुम अपना अलग चैनल खोलो फिर। सो दीज आर ऑन द लेफ्ट आर द लेटेक्स ट्रीज ना, इसका बार्क काट के व्हाइट फ्लूइड निकलता है ना। जस्ट क्विकली स्टॉप टू शो यू कि रबड़ कैसे कलेक्ट होता है। अच्छा ये इसकी बार्क निकाल दी ना यहाँ से, इतनी बार्क छील दी ना ये, तो इससे कलेक्ट होकर इस डब्बे में जाएगा ये। सो हम लोग अभी आ चुके हैं अट्रैक्शन ऑफ द डे विच इज नीर महल। हाँ, बारिश में और भी ज्यादा हो जाते हैं। महाराजा वीर विक्रम 1930 से स्टार्ट हुआ था, 38 में कंप्लीट हुआ, 8 साल लगे। तो यहाँ पे बोलते हैं यहाँ के जो राजा महाराजा थे, गर्मियों में आते थे एंजॉय करने, विजिटर्स रूम। एवरीवन्स क्लेम्स एंड कंप्लेंट वर टेकन केयर ऑफ। आजकल सर एक बीवी का नहीं हो पाता ये। उस जमाने में राजा पूरी प्रजा का करते थे, सोचिए। अरे गाइस ये राजा का बेडरूम था, बट यहाँ से व्यू देखो आप। मतलब यहाँ से सामने झील से ये और सीधा। सोचता होगा कि मेरे अंडर ये जगह आती है। राजा सोचता नहीं था, राजा के अंडर आती थी। सोचते तो हम जैसे लोग हैं जो हमें ग्राम भ्रम में जीते जिंदगी में कि बीवी हमारे अंडर आती है, बीवी हमारे अंडर आती है, ये शायद ये हमारा कमरा है, ये हमारे हिसाब से लगाया जाएगा, ये हमारी अलमारी है। बट असली होती है कि आपका घर में कुछ नहीं होता। हो सकता है राजा को भी ऐसे ही लगता हो, सिर्फ चलती रानियों की हो सकता है, रानी के उद्देश्य में तो बनाया है ये। लेकिन पता ऐसे सही में मैंने, लेकिन हम लोग गाइस कितनी जगह गए हैं, किले देखे हैं, सब कुछ देखा, बट मोस्ट ऑफ द किले रानियों को खुश करने के लिए बनाए गए थे। एक तो होगा कि बचाने के लिए, वॉर से बचने के लिए, वो ऐसे किले थे जिसमें आउटर वॉल बहुत ज्यादा, वो भी बहुत अच्छा था। देखो उसको, देखो, दे दो, ले लो तुम, ले लो, तुम ले लो, तुम शूट कर लो पहले। बेडरूम यहाँ पे, उसके सामने ये डांस रूम, यहाँ पे डांस करती होंगी राजा के मजे हैं, और यहाँ पे ये अम्यूजमेंट रूम। मैं अपने घर में गए रोज अम्यूज होता रहता हूँ कि मेरा सामान कहाँ गया। ओह
ओ दिस इट इज इन दिस रूम ओ आई एम सो अम्यूज्ड इट्स अम्यूजमेंट रूम जी नहीं हम लोग गाइस जहां से आए उस साइड से राजा लोग यहां से आते थे यहां तक पानी आता था बोट आती थी यहां पे और इनको मतलब आप क्या कह रहे हो हम पहले करके दिखाएं नहीं 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 मतलब आपके सामने करना है बस ओ अच्छा हमारे अरे इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस सो क्यूट ऑफ यू गाइस यार प्लस 3 डेज ओ कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल वाओ मैं चाहता हूं कि तुम जैसे मेरे बाइक से बाइक चलाते हो मेरे बुलेट चलाते हो मैं तुम्हारे पीछे बैठा रहा हूं मैं चाहता हूं हर सुबह मैं जब उठूं तो तुम्हें देखूं जब सोऊं तब तुम्हारे साथ सोऊं तुम साथ में रहो मतलब तुम्हारे माइक के जाना कैंसिल था मैं थोड़ा कैमरा कौन सा हूँ मैंने बहुत टाइम बाद किसी को सामने ऐसे तो मैं रियल फीलिंग से ना अच्छा सा लग रहा है राजा रानी अकेले होते होंगे यहाँ आते होंगे चाय पीते होंगे बैठते होंगे हाँ यार आज ये चल रहा है आज यहाँ ये हो गया यार आज वो हो गया यार और तो लगता है कि सदियों से बस राजा रोमांस करते हैं राजा रानी रोमांस करते हैं मैं उनको टेंशन भी होती है कभी हमला हो गया आज भुखमरी हो गई बारिश नहीं हुई राजा को काम भी होते हैं ये मेरे को कहते हैं सर जी एक नया चैनल खोला है तो मुझे सुनाई दिया सर जी नया जेल खोला है आज आज त्रिपुरा में आपको वही रखेंगे आज यशु कहाँ घूमने आए हम लोग पार्क ले भैया इसको तो जिंदगी में कहीं ले जा धूप इसको मार्स ले जाएंगे ना मार्स क्योंकि पार्क माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर हो पीछे भगवान और आगे इस तरफ फोटो खिंचाने के लिए तो कोरोना वायरस है उनकी फैमिलीज है मदद करे यार भगवान गाइस ये मंदिर है जो हम लोग गए और ये है टॉर्टोइस की समाधि अब इसका रीज़न क्या बताऊंगा थोड़ी देर में आपको जो यहाँ पे जो टॉर्टोइस रहता है वो टॉर्टोइस हम पूजा करते हैं उसको मानते हैं पूजनीय है वो पूजनीय है और ऐसे भी मान्यता है कि जैसे टॉर्टोइस की जब डेथ होती है तो अपने आप चल के वो माता के मंदिर तक आता है क्वैक 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 ऐसा काटेगा तो नहीं ना ये तो इतने पुराने हैं उम्र में है ना इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या देखा यार आज तक किसी भी लेक में इतनी ऊपर सीढ़ियों के पास इतनी मछलियां कहीं नहीं देखी मैंने इतनी बड़ी वाली है एक्चुअली हंटिंग नहीं करते ना रिलीजियस मानता है इसलिए हंटिंग नहीं करते बट इट इज अ वेरी गुड वे जैसे हम बोलते ना कि हमारे पुराने वो है मोटे अंधविश्वास है तो सतगुरु जी ने कहा था कि जो नॉलेज है इतने इंडिया में इतने ज्यादा लोगों में बांटने के लिए उसको लिंक करना पड़ता है तो लिंक कर दीजिए रिलीजन के साथ टॉर्टोइस दिख रहा है ऊपर ये देख मैं खुद बिस्किट दे रहा हूँ लेगा वो मुंह से यूजुअली अगर आप किसी सुपरस्टार को मिलते हैं किसी को मिलते हैं इनको फॉलो करते हैं तो आप घर पे कॉल करवाते हैं बेटा ये देख अंकल टॉर्टोइस से व्हाट्सएप कॉल करा रहे अपने घर को देख मैं चूके प्रणाम किया हम लोग त्रिपुरा आए हैं टूरिज्म के लिए यहाँ की जगह आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितना ज़्यादा खजाना छुपा है यहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ ऑनरेबल CM सर के सामने त्रिपुरा छोटा स्टेट है छोटे जगह में इतना सारे डेस्टिनेशन भारत में किसी स्टेट में नहीं है और नॉर्थ ईस्ट पॉल्यूशन फ्री है मेरे गाँव से हूँ तो क्लास 8 से ही तब इतना हमारे यहाँ तो जिम होती नहीं थी देखिए कर लेता था सीमेंट का बना हुआ डंबल था उसी से अच्छा अच्छा